मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और आज एक बार और मैं आपको मिलवाने लाई हूँ गीतांजलि जुम्बा ग्रुप से। अगर आपको याद होगा मैंने अपने एक वीडियो में आपको उनसे मिलवाया था, बहुत ही इंस्पायरिंग ग्रुप है। तो मुझे कुछ दिन पहले गीता का फोन आया था, उस समय मैं पुणे में थी, उन लोगों का एक प्रोग्राम होने वाला है क्लेमेंटाउन में। तो गीता चाहती थी कि मैं उनके रिहर्सल को एक बार और अपने व्लॉग्स में कवर करूं, तो मैं गीता को तो कभी ना बोल नहीं सकती, तो इसलिए आज मैं एक बार और आपको उनसे मिलवाने के लिए लाई हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ, जुड़े रहिएगा उनसे इंस्पायर होने के लिए, उनसे कुछ सीखने के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो मोहब्बे वाला में ये बहुत ही पुराना पीपलेश्वर महादेव मंदिर है, तो इसी के ऑपोजिट ये दुर्गा मंदिर है जहाँ पे ये लेडीज प्रैक्टिस करती हैं। इसी के मंदिर के बगल में ही ये कमरा है, वहाँ पे ये लेडीज जुम्बा प्रैक्टिस करती हैं और इनका प्रोग्राम है 10 तारीख को। तो अगर आप देहरादून में हैं तो ज़रूर आइएगा। तो ये है दुर्गा माता का मंदिर, अंदर से दिखाती हूँ आपको, बहुत सुंदर मंदिर है। सो गाइज, आप लोग गीता से पहले भी मिल चुके हैं, ये मैं दूसरी बार इससे मिल रही हूँ। गीता का फोन आया था एक्चुअली, समय मैं पुणे में थी, तो इनका एक प्रोग्राम होने वाला है अभी क्लेमेंटाउन में। तो गीता चाहती थी कि मैं इनके रिहर्सल को अपने ब्लॉग में कवर करूँ, तो मैं यहाँ आई हूँ। गीता बता दो आगे क्या है। ये हमने 4 महीने पहले स्टार्ट करा यहाँ पर आना। ये मामी जी लोगों ने मुझे फोन करके बुलाया था। okay. मेरे मायके भी है ये। okay. मामी जी लगती है मेरी। इन्होंने मुझे फोन नंबर लिया फेसबुक से। okay. फोन नंबर मांगा, फिर बात हुई, तब बोले यहाँ भी स्टार्ट करेंगे। 4 महीने हो गए। आपका नाम क्या है? रजनी रावत। रजनी रावत, और आपका? पूजा। तो चलिए पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं पूरे ग्रुप का, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस ग्रुप से इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। गीता को आप सब जानते हैं, तो ये है गीता। गीतांजलि कहेंगे हमारे नाम का। रजनी रावत। हाय, कुसुम डिमरी। हाय, मैं पूजा पुरोहित। मैं निशा लखेड़ा। लक्ष्मी काला। अरुणा बिस्ट। शशि टुपा। हेलो, आई एम मोनिका। तो ग्रुप से तो आप मिल चुके हैं, तो चलिए अब इनका परफॉर्मेंस मैं आपको दिखाती हूँ। रिहर्सल कर रहे हैं एक्चुअली ये उस प्रोग्राम के लिए, तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये लोग गढ़वाली गाने में परफॉर्म कर रहे हैं और ये सारी लेडीज जो हैं वो गढ़वाली हैं। देखिए, आपको हर एज ग्रुप की लेडीज मिलेंगे, कितना इंस्पायरिंग है ये। तो ट्रेडिशनल गढ़वाली गाने में जुम्बा करना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही यूनिक भी है। और देखिए कितने अच्छे से कर रहे हैं ये सब, हर एज ग्रुप की लेडीज़ आपको इसमें दिखेंगी। इनका बहुत ही जल्दी क्लेमेंटाउन में एक प्रोग्राम होने वाला है, उसके लिए रिहर्सल कर रहे हैं ये लोग। वेरी गुड। तो देखिए इस ग्रुप में ये सास बहू की जोड़ी भी है, ये दोनों ही जुम्बा करने आते हैं और ये भी कॉलेज, हाँ दोनों दिल्ली के, और ये भी कॉलेज भी कर रही है, पढ़ाई भी कर रही है शादी के बाद भी। तो बहुत ही अच्छा लगा, मतलब सास बहू की ऐसी जोड़ी तो आजकल कम ही देखने को मिलती है। तो आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम शशि टोपाल। ओके, और आपका? मोनिका। ओके, एंड मोनिका इज ऑल्सो बेकर, वो घर से ही अपना बेकिंग का काम करती है, तो दैट्स नाइस, बहुत बढ़िया। और यहाँ एक माँ बेटी की जोड़ी भी है, क्या नाम है आपका? अरुणा बिष्ट। अरुणा बिष्ट एंड यो? विभूति बिष्ट। हाँ, विभूति, विभूति बिष्ट और अरुणा बिष्ट, ये माँ बेटी की जोड़ी है और ये सास बहू की जोड़ी, बहुत बढ़िया। ऐसे इंस्पायर करते रहो सबको, ये गीता तो बहुत लोगों को इंस्पायर कर रही है। ये मामी है और ये सब मेरे मायके वाले हैं, ये मेरी क्लासमेट है। क्लासमेट को भी खींच लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्लासमेट को भी खींच लिया, अच्छा है। इस ग्रुप में ये सबसे सीनियर है और इन्होंने इन सब को इंस्पायर किया ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए। आप बताइए अपने बारे में। मैं रजनी रावत, मैं मंदिर से ही जुड़ी हुई हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे लोग ये जो आगे हैं मेरे से छोटे वाले, ये आगे आए और अपना सब कुछ ये दिखाएं कि हाँ हम भी इसमें आगे हैं। हमारे मंदिर में गणकोटी के मेले के लिए तैयारी करवा रहे हैं। हाँ हाँ।
ये अभी एक और गाने में परफॉर्म कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल गढ़वाली फोक डांस है। अगर आप देहरादून में हैं तो जरूर आइए। ये मोहब्बेवाला में जो पीपलेश्वर मंदिर है उसके पास जो ग्राउंड है वहीं इनका परफॉर्मेंस होने वाला है 10 तारीख को, तो जरूर आइएगा। मैं तो आऊंगी, आप लोग भी जरूर आइए। बाय लेडीज, और सबको इंस्पायर करती रहिए ऐसे ही, ठीक है? बाय। चलो बाय लेडीज, जल्दी मिलूंगी आपसे 10 तारीख को, ठीक है? बाय बाय बाय। सो गाइस, गीता ध्यानी के ग्रुप से मिलकर मैं वापस आ चुकी हूं और हमेशा की तरह मुझे बहुत अच्छा लगा उसके इस नए ग्रुप से मिलकर और उनका परफॉर्मेंस देखकर। और देखिए उन्होंने मुझे क्या दिया, उन्होंने मुझे ये चार धाम का मोमेंटो दिया है, बहुत ही प्यारा है और इसको मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी, मंदिर में रखूंगी। पहले भी उसने मुझे प्लांट दिया था पिछली बार जब मैं उनसे मिली थी। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, अभी फिलहाल मैं घर वापस आ चुकी हूँ और बस चाय बनाती हूँ। अभिजीत और मैं बैठकर चाय पियेंगे, उसके बाद आगे क्या होगा वो आपको मैं बताती रहूंगी अपने व्लॉग में, बने रहिएगा मेरे साथ। सो गाइज, आज बहुत दिनों के बाद मेरे किचन में कुकिंग हो रही है और आज मैं अभिजीत के लिए बनाने वाली हूँ मटर कीमा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल मैंने ऑलरेडी बना लिया है, दाल चावल, बस अब मटर कीमा बनाऊंगी फटाफट। और शाम को आज मैं आपको लेकर चलूंगी विरासत मेला, देहरादून में काफी दिन से लगा हुआ है, हम तो यहाँ थे नहीं, तो आज उसका शायद 6th डे है। तो आज मैं और अभिजीत जाएंगे विरासत मेला, आपको भी साथ लेकर चलेंगे। फिलहाल आप कीमा की रेसिपी देखिए। तो सबसे पहले इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। मैं अपनी सारी सब्जियां सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें बाकी सामान डालूंगी। तो तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें डाल दूंगी थोड़े से खड़े मसाले। इसमें है तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, हरी इलायची और दालचीनी। बहुत ज्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं तो खाती नहीं हूँ नॉनवेज, केवल अभिजीत के लिए बना रही हूँ, इसलिए उसी हिसाब से डाल रही हूँ मैं खड़े मसाले। थोड़ा सा इसको हम फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज, ये 2 प्याज है मीडियम साइज। और प्याज को अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल दूंगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आप अपने स्वाद के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने डाली है 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही में मैं डाल दूंगी 1 बड़ा चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसके कच्चेपन जाने तक इसको हम पका लेंगे। तो अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 कटोरी फ्रोजन पीस। अभी क्योंकि मौसम नहीं है मटर का, तो इसलिए फ्रोजन पीस का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको फ्रेश पीस मिले, फ्रेश मटर मिले, तो आप उसे भी डाल सकते हैं। फ्रोजन पीस जो होते हैं वो जल्दी पक जाते हैं, जो सीजन वाले मटर होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। ये तो बहुत जल्दी पक जाएगा, 1-2 मिनट में ही पक जाएगा ये। तो गैस की आँच को धीमी करके अब हम ढक देंगे, थोड़ा सा इसे सॉफ्ट होने देंगे, पकने देंगे, उसके बाद बाकी मसाले डालेंगे। अच्छा, मैंने इसमें टमाटर डाल दिया और रिकॉर्ड करना भूल गई, बस मैंने इसमें बारीक टमाटर को काट के डाला है, 2 टमाटर। इसके बाद का आपको बताती हूँ। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी चिकन कीमा। ज्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि केवल अभिजीत के लिए बन रहा है, मेरे लिए नहीं बन रहा है और शाम को वैसे भी हम बाहर जाने वाले हैं, तो इसलिए केवल इतना ही बना रही हूँ। और कीमा बहुत जल्दी पक जाता है, चिकन कीमा तो बहुत जल्दी पक जाता है, मटन कीमा थोड़ा टाइम लेगा, वो भी इतना टाइम नहीं लेता है, चिकन कीमा तो बहुत जल्दी पक जाता है। बस इसको हम 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे, उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। तो चिकन कीमा को पकते हुए करीब 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसमें मैं बाकी मसाले डाल दूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, टेस्ट के हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद इसमें मैं डालूंगी 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर,
एक छोटा चम्मच मीट मसाला। अच्छे से सारे मसालों को भुनना है, करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे। आप चाहे तो कलर के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, और गरम मसाला वगैरह डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि मीट मसाला में ऑलरेडी सारे मसाले होते हैं। अगर आप मीट मसाला यूज नहीं कर रहे हैं तब आप गरम मसाला जरूर डालें। और आखिरी में टेस्ट के हिसाब से नमक, मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारे मसालों को, और अब हम इसे ढककर करीब 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि सारे मसाले जो है अच्छे से भुन जाए, अच्छे से पक जाए। तो पकने देते हैं इसे धीमी आंच पर, बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें। तो आज मेरे लिए अभिजीत रिकॉर्डिंग कर रहे थे, और चिकन कीमा की खुशबू आ रही थी क्या तुम्हें? तो इसको पकाते हुए करीब 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, और ये हमारा चिकन कीमा बिल्कुल रेडी है, चिकन मटर कीमा बिल्कुल रेडी है। अभी मैं बस इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल दूंगी, और ये सर्व होने के लिए तैयार है। यहाँ चावल भी बन रहे हैं। और अब अभिजीत देगा फूड रिव्यू। इसको चिकन कीमा तो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसको मटन कीमा ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैं गलती से चिकन कीमा ले आई थी तो मैंने वही बनाया है। अच्छा जी, हम शुरू कर रहे हैं। बताइए कैसा बना है? बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और गर्म भी बहुत है, हाथ में वो हो रहा है। क्या हो रहा है? जल रहा है। वाह क्या बात है। नमक ठीक है? नमक ठीक है, दाल की बनावट ठीक है। चलो खा लो फिर, मैं भी लेती हूँ अपना खाना। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो हमारा लंच तो हो गया है, मैं फटाफट खजूर रोल बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि शाम को हमें जाना है विरासत मेला, तो शाम को कुछ नहीं बन पाएगा, तो इसलिए अभी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो हम निकल गए हैं विरासत मेला घूमने के लिए, और देखिए हम दोनों येलो येलो डर्टी फेलो हो रखे हैं। ये देखिए मेरा सूट, और ये देखिए अभिजीत को, येलो येलो डर्टी फेलो। तो ये है विरासत मेला जो कि देहरादून में लगा है। ये 10 दिन तक चलेगा, और हर रोज नया नया कल्चरल प्रोग्राम भी होता है यहाँ पे। तो हम आज आए हैं, चलिए चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या चल रहा है मेले में। तो ये हम विरासत मेले के वेन्यू में पहुंच गए हैं। तो एंट्रेंस में ही ये फर्निशिंग का है स्टॉल, चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ कल्चरल प्रोग्राम होता है रोज रात को, और बहुत ही बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट आते हैं। तो आज इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का प्रोग्राम है। मेले में खो मत जाना, बनारसी बाबू, बंगाली बाबू। तो चलिए खुर्जा वर्क से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपको सारे सिरेमिक पॉट्स और कटलरीज वगैरह मिल जाएंगे। तो ये रो जो है ये पूरा सिरेमिक वर्क का ही होता है हमेशा। फाउंटेन्स भी मिल जाएंगे आपको, पॉट्स मिल जाएंगे, प्लांटर्स मिल जाएंगे, डेकोरेटिव आइटम्स मिल जाएंगे, विंड चाइम्स मिल जाएंगे, हर तरह का सामान आपको यहाँ मिल जाएगा। मूर्तियाँ भी हैं, देखिए कितनी प्यारी प्यारी। ये देखिए वुडन कार्विंग का सामान आपको यहाँ मिल जाएगा, कितना खूबसूरत है देखिए। ये वर्क देखिए कितना खूबसूरत है, कार्विंग वर्क वुड पर है पूरा। यहाँ डोर मैट्स और कार्पेट्स वगैरह बिक रहे हैं। और ये सेक्शन पूरा सहारनपुर का फर्नीचर आइटम का है।
यहाँ पे आपको सारे वुडन फर्नीचर और वुडन डेकोरेटिव आइटम्स दिख जाएंगे। ये सारा सहारनपुर का वर्क है। यहाँ पूजा का सामान है पूरा। इधर कुशन कवर्स, बेड कवर्स, डाइनिंग टेबल कवर्स, कुशंस, ये सब मिल जाएंगे। ब्लैंकेट्स वगैरह भी हैं और उधर वुलन आइटम्स हैं सारे, वुलन ड्रेसेस। और यहाँ सारे कश्मीरी शॉल्स और कश्मीरी सूट्स वगैरह मिलेंगे। अच्छा, बहुत ही प्यारे प्यारे इयर रिंग्स हैं देखिए, और ज्वेलरी सेट भी है पूरा, नेकलेस और इयर रिंग्स, ये हेयर बैंड्स हैं और ड्रेसेस भी हैं अंदर। तो यहाँ हमने लिया है गुरखाली सेल रोटी, गुरखाली चटनी और भूरी भुटवा। अच्छा, इस तरफ सारे फूड स्टॉल्स हैं, तो यहाँ से शुरू करते हैं। ये है गुरखाली फूड स्टॉल, ये देखिए सेल रोटी बना रहे हैं। हमने अभी इन्हीं की शॉप से लिया था सेल रोटी, काफ़ी टेस्टी था। इस सेल रोटी को गुरखाली चटनी के साथ खाते हैं या फिर आप मटन या चिकन के साथ भी खा सकते हैं। ये बन रहा है और ये बना हुआ है, इसे कहते हैं गुरखाली सेल रोटी। तो यहाँ आपको हर स्टेट का खाना मिल जाएगा। ये देखिए, ये हैदराबादी चिकन कोरमा, ये है पहाड़ी व्यंजन, इस तरफ आप देखेंगे तो होगा बिहारी व्यंजन, पंजाबी ढाबा, महाराष्ट्र फूड्स, अन्ना डोसा, ये है अमृतसरी स्पेशल, ये है मेरठ का मशहूर शिरमाल, और ये है पान शॉप। कितने तरह के पान है देखिए। यहाँ बन रहा है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, ये देखिए, ये है लिट्टी। इधर है पंजाबी ढाबा, तो यहाँ आपको सारा पंजाबी फूड मिलेगा। और इस तरफ है महाराष्ट्र फूड, तो यहाँ आपको महाराष्ट्र का खाना मिलेगा, पाव भाजी, वड़ा पाव, मिसल पाव। ये है साउथ इंडियन फूड का स्टॉल, यहाँ आपको डोसा, इडली, सांभर, वड़ा, ये सब मिलेगा। ये है दिल्ली चाट कॉर्नर, और यहाँ मिल रही है पानी पूरी, ये है कचौड़ी, और ये है भल्ले और पापड़ी चाट। ये है फ्रूट आइसक्रीम। तो हम ट्राई कर रहे हैं ये फ्रूट आइसक्रीम, और अब हम आ गए हैं फ्रूट आइसक्रीम की तरफ। फ्रूट आइसक्रीम एंड इट्स टू यम। ये देखिए राजस्थान के पपेट्स, कठपुतलियाँ कितनी प्यारी प्यारी हैं। ये देखिए बाइस्कोप, तो अब इस तरफ चलते हैं। एक साइड मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ये है दूसरा साइड। यहाँ पे भी आपको हर तरह का डेकोरेशन आइटम, ड्रेस मटेरियल्स और कुशन कवर्स, ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब मिल जाएगा, और हर स्टेट का सामान मिल जाएगा आपको। देखिए कितनी भीड़ है। ये है बकलावा, टर्किश डेजर्ट बकलावा। ये सारे शुगर फ्री बकलावा हैं। देखिए कितना कलरफुल डेकोरेशन है, और हर स्टॉल में आपको भीड़ नजर आएगी, काफी लोग आते हैं यहाँ पे। विरासत मेला ये करीब 10 दिन के लिए लगता है देहरादून में, और दिवाली से ठीक पहले लगता है ये मेला। देखिए कितने खूबसूरत लैंप्स हैं।
और ये देखिए ये है आर्टिफिशियल फ्लावर्स की शॉप। लास्ट ईयर मैं यहाँ से लेकर गई थी अपने घर के लिए, इस साल भी देखती हूँ अगर कुछ अच्छा लगा तो ले जाऊँगी। एंथूरियम। और इस स्टॉल में पूरे ब्रास के आइटम्स हैं, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है, छोटे से लेकर बड़े तक हर तरह का सामान आपको ब्रास का यहाँ पे मिल जाएगा। ये गणेशा देखिए कितना प्यारा है, ठीक का लगा दो भैया, नहीं नहीं ठीक लगा दो तो ले जाएंगे हम। तो फाइनली हमने ये गणेशा ले लिया है, ब्रास का है, बहुत ही क्यूट बहुत ही प्यारा है। कितना कलरफुल लग रहा है देखिए। और ये अभिजीत ने अपने हाथ में करीब 20 किलो का ये पकड़ा हुआ है गणेश जी। चलें तो बहुत मस्ती मार रहे हैं हम लोग, यहाँ पे घूम फिर रहे हैं मेले में। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, मेला देखकर मजा आया बहुत। तो विरासत मेला घूमकर अब हम घर वापस जा रहे हैं। कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं की हमने, बस एक मूर्ति खरीदी है ब्रास की गणेशा की जो कि हमें बहुत पसंद आई, तो बस वही लिया। उसके अलावा हमने फूड एंजॉय किया, स्टॉल्स देखे सारे और अब हम घर वापस जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, इसको मैं यहीं एंड करती हूँ। पसंद आए तो इसको लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। तो चलिए मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय एंड गुड नाइट। अभिजीत बाय बोल दो। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शबक है। शबक है। शबक है। ओके गुड नाइट।